अलहमदिल्हि रबीन वसलात वसलम अल रसूल करीम अम्मा बादाऊज़बिल्लिमिन शैतम बसमिल्लर फ़तः नतःमबीना लेअ फ़िर मा तकद्दमिनिका व मा तख़र व तमन मत अल का वह दियरा मस्तम सदकिल्लम रम़ानुमबारक की इस बाबरकत रात में आज हम इन शुर फतह और सूर हजरात का मताल करेंगे इस सूरत का आगाज़ सलोबिया के जिक्र से हुआ है जो फ़तह मक् तमहीद है और आन हज़रत सल्ह सबकी उम्मत पर इतमाम नमत साबित हुई इसमें फ़तह व गलबा की उन पेशन गोइियों और बशारतों का भी हवाला है जो इस उम्म के बाद में तोरात और इंजील में वारद हुई हैं ताकि अहल ईमान और अहल कुफ्र दोनों पर अच्छी तरह वाज हो जाए कि ये जो कुछ हुआ है हो रहा है और आगे होगा इनमें से कोई बात भी इतफाक़ी नहीं है बल्कि ये सब कुछ अल्लाह ताली की स्कीम में पहले से तय है और ये स्कीम पूरी होकर रहेगी किसी की ताकत नहीं है कि इसमें मज़ा हो सके इस सूरत को अच्छी तरह समझने के लिए इसके पस मंज़र को निगाहों के सामने रखना ज़रूरी है यह नहायत मायूसकुन हालत के अंदर उम्मीद की रोशनी और शिकस्त के आम एहसास के अंदर फतेह मुबीन की बशारत बनकर नाजिल हुई है इसने नायत नाजुक हालात के अंदर मुसलमानों की ठारस बनाई और दो साल से ज़्यादा की मदत नहीं गुजरी कि इसके हर वादे और इसकी हर वईद की सच्चाई इस तरह सामने आ गई कि दोस्त और दुश्मन किसी के लिए भी इसमें शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही इस इमाल की तफसी ये है कि छः हजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु सलील वसम को ख्वाब में ये बशारत हुई कि आप सहाबा की एक जमात के साथ उम्र की सादत से बहरा हुए हैं इस ख्वाब की बिना पर आपने मुनादी करा दी कि लोग उम्र के लिए तैयार हों अगरचे कुरैश के साथ मुसलसल जंग की हालत कायम थी नहत कभी अंदेशा था कि मुसलमान जमाती हैसियत से उम्र के लिए निकलें तो वो लाज़मन मुजाम होंगे और जंग की नौबत भी आ सकती है लेकिन मुसलमानों पर बैतल्ला से महरूमी इतनी शाख थी कि वो उस खतरे से बेपरवाह होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत के लिए तैयार हो गए मुनाफिकीन ने जिनका ज़िक्र पिछली सूरत में भी गुजर चुका है मुसलमानों को हौसला पस्त करने की बेहद बहुत कोशिश की डराया कि जो लोग मक्के जाएंगे उनको घर पलटना नसीब नहीं होगा लेकिन मुसलमानों को नबी करीमल वम की रोया पर पूरा अहतमाद था इस वजह से तकरीबन चौदह पंद्रह सौ सहाबा हम रकाबी के लिए तैयार हो गए इस अमर में रावियों का अख्तिलाफ है कि महीना रजब का था या जल्कदा का बहरहाल इन्हीं दोनों महीनों में से कोई महीना था ये महीने हमेशा से हज व उमरे के लिए ख़ास रहे हैं इस वजह से इस तवक्के के लिए मक़ूल वजह थी कि क्रैश उनका एहतराम मलहूज़ रखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वम और साहबा ने मक्के से छः मील के फ़ासले पर ज़ुल हलीफ़ा में उम्र का अहराम बांधा कुर्बानी के लिए सत्तर ऊँट साथ लिए जिनकी गर्दनों में अलामत इम्तियाज़ के तौर पर पट्टे भी डाल दिए गए कि हर देखने वाले पर वाज हो जाए कि ये हदी के जानवर हैं कोई उनसे तारुज़ ना करें जंग का कोई सामान साथ नहीं था सिर्फ़ तलवारें थीं वह भी म्यानों के अंदर गर्ज़ इस बात का पूरा अहतमाम किया गया कि कुरैश जंग का कोई बहाना पैदा ना कर सकें लेकिन इनकी ज़िद्द और जहालत ने गवारा नहीं किया कि ये काफ़िला मक्के में दाखिल होने पाए अपने आदमियों के जरिए से उन्होंने छेड़छाड़ के मुख्तलिफ बहाने पैदा किए लेकिन नबी करीम सलील वसम और साहबा ने इनकी कोई शरारियत कामयाब नहीं होने दी हदबिया पहुँच कर आपने एक शख्स को क्रैश के लीडरों के पास ये पैगाम देकर भेजा कि आप सिर्फ़ उम्रा के कसर से आए हैं इसके सिवा कोई और गर्ज नहीं है लेकिन उन्होंने कासिद को कत्ल दे कर देने का इरादा कर लिया बड़ी मुश्किल से एक दूसरे ग्रोह की मुदाखलत से उसकी जान बची इसके बाद आपने अपने खास सफी हज़रतमान रजील्ला तु को भेजा उन्होंने भी क्रैश को इतमान दिलाने की पूरी कोशिश की लेकिन क्रैश अपनी हट धर्मी पर कायम रहे हजरत अलबत्जरतमान के साथ उन्होंने कोई बसलूकी नहीं की बल्कि इज्जत से पेश आए और ये पेशकश की कि अगर वो तनहा तवाफ़ करना चाहें तो कर लें लेकिन हज़रत हज़रतमान रजी अल्लाह उन्होंने इनकी पेशकश रद्द कर दी कि रसोल्ला सल्ला व् के बग़ैर वह तवाफ़ के लिए तैयार नहीं हैं इसी हेस बेस में हज़रत हज़रतमान की वापसी में कुछ देर हो गई और इधर मुसलमानों के कैम में ये अफवाह फैल गई कि हज़रत हज़रतमान शहीद कर दिए गए इस अफवाह से कुदरती तौर पर मुसलमानों के अंदर एक शदीद किस्म का इश्तेहाल पैदा हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे नहायत मुतासर हुए आपने लोगों को बैत जहाद की दावत दी कि अब हम क्रैश से जंग करेंगे तख्त तخت या तख्ता साहबा बैत के लिए टूट पड़े जब क्रैश को ख़बर पहुँची कि मुसलमान मरने मारने पर तुल गए हैं तो उन्होंने सुहैल बिन उम्र की क्यादत में एक वफ़द सुलह की बातचीत के लिए भेजा इस वफ़ ने कुरैश की आन रखने के लिए इस बात पर बहुत इसरार किया कि मुसलमान इस साल वापस चले जाए अगले साल उम्र के लिए आए अहल मक्का तीन दिन के लिए शहर खाली कर देंगे ताकि किसी तस्दुम का अंदेशा ना रहे इसी तरह इस बात पर भी इसरार किया कि अगर कोई हमारा आदमी भाग कर मुसलमान के पास चला जाए तो मुसलमान उसको वापस करने के पाबंद होंगे और अगर मुसलमानों का कोई आदमी हमारे पास आ जाए तो हम उसके वापस करने के पाबंद नहीं होंगे साहबा ये शर्त कबूल करने पर किसी तरह भी राजी नहीं थे लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा गैबी के तहत ये मान ली जेल शरात पर एक माहिदा तय पा गया नंबर एक दस साल तक फरीकैन के दरमिया जंग बंद रहेगी इस दौरान में कोई फरीक भी एक दूसरे के खिलाफ कोई खुफिया या एलानिया कार्रवाई नहीं करेगा नंबर दो इस दौरान में कुरैश का कोई आदमी अगर भागकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा तो वो उसे वापस कर देंगे और अगर मुसलमानों में से कोई आदमी कुरैश के पास आ जाएगा तो वो उसको वापस करने के पाबंद नहीं होंगे नंबर तीन कबाइल अरब में से जो कबीला भी चाहे फ्रीन में से किसी का हलीफ बनकर इस माहे में शामिल हो सकता है नंबर चार मुसलमान इस साल वापस चले जाएँ आइंदा साल वो उम्र के लिए आएँ तीन दिन तक वो मक्के में ठहर सकते हैं असलाह में से हर शख्स सिर्फ एक तलवार म्यान में ला सकता है इन तीन दिनों में अहल उनके लिए शहर खाली कर देंगे ताकि किसी तसादम का अंदेशा ना रहे इनमें से दो शर्तें जिनकी तरफ मैंने इशारा किया मुसलमानों को शदीद नागवार थी लोग उनको कबूल करना और इतराफ़ शिकस्त के हम मान समझते थे और किसी तरह भी राजी नहीं थे कि कोई बात क्रैश से दब कर मानी जाए हजरत उमर ताला उन्होंने अपने जज्बा का इजहार इस मौके पर ऐसे तुंद अल्फाज में किया कि जिंदगी भर उनको इसका पछतावा रहा सला तय पा जाने के बाद नबी करीम सलील वसलम ने लोगों को हुक्म दिया कि लोग कुर्बानी करके सर मंडवाएँ और उम्र से फारग हो जाएं, लेकिन लोगों की अफसर्दगी का ये आलम था कि एक शख्स भी अपनी जगह से ना उठा बिलाखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने ख़ुद पहल की जब लोगों का अंदाज़ा हो गया कि अब फैसले में किसी तब्दीली की गुंजाइश बाकी नहीं रही तब बादल नाखवासा लोग उठे और उम्र से फारग हुए वापसी के वक्त लोगों का आम एहसास ये था कि हम नाकाम वापस हो रहे हैं इस वजह से कुदरती तौर पर बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल भी था कि नबी की रोया सच्ची होती है तो इस रोया का क्या बना जो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने देखी और जिसकी बिना पर हम घर से निकले ये हालात थे जिन में यह सूरत नाजिल हुई और फ़तेह मुबीन की बशारत बनकर नाजिल हुई लिहाजा आयत नंबर एक से सात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमर की बशारत दी गई कि सुलह सुलहदेबिया की शक्ल में आपको एक फ़तः मुबीन हासिल हुई है यह फतह मुबीन तमहीद है इस बात की कि अब वक्त करीब है जब फतह मक्का की सूरत में आपको कुफार पर कामिल गलबा हासिल होगा अल्लाह ताली अपने दीन की नेमत आप पर तमाम करेगा और आप अपने मिशन की जिम्मेदारियों से फारिग होकर अपने रब की कामिल खुशनुदी हासिल करेंगे इस मुहिम का यह पहलू भी नहायत मुबारक है के अहल ईमान के लिए उसने ईमान में इजाफा और हसूल जन्नत की राह खोली जो अल्लाह ताली के नज़दीक एक फ़ौज अज़ीम है और इन मुनाफिक के लिए यह अल्लाह के गज़ब और उसकी लानत का सबब बनी जल्लाह के बारे में तरह तरह की बदगुन मानियों में मुब्तला रहे और इस हकीकत को ना पा सके कि आसमानों और ज़मीन की तमाम फौजें अल्लाह ही की के तहत हैं और वह अपने इल्मत के तहत जिस तरह चाहे इनसे काम लेता है और ले सकता है फिर आयत नंबर आठ से दस में आम मुसलमानों को खिताब करके इस हकीक़त की वजाहत की गई कि रसूल अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ़ से एक शाहिद और बशीर और नज़ीर होकर आए हैं लोगों का फ़र्ज़ है कि इस पर ईमान लाएं इसकी तौकीर करें तमाम मुहिमात में उनका साथ और मददगार बने जो लोग उनके हाथ पर बैत करते हैं वो दरिकत अल्लाह ताला के हाथ पर बैत करते हैं अगर वो इस बैत का हक़ अदा करें तो इसका अजर बहुत बड़ा है और अगर इसका हक अदा ना करें तो याद रखें कि उसमें उन्हीं की तबाही है अल्लाह को इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा फिर आयत आयतम ग्यारह से सो सोलह में नबी करीम सल वम को ये आगाही दी गई कि इस मौके पर जो मुनाफिन पीछे बैठ रहे अब वो आपके पास या दरख्वास्त लेकर आएँगे कि घर बार की ज़िम्मेदारियों ने उनको मजबूर रखा है इस वजह से वो माफ़ी और पैगंबर की दुआ मफ़रत के सजावार हैं उनको बता दीजिए कि तुम्हारे ना उठने की वजह तुम्हारा ये गुमान था कि अब के मुसलमान और पैगंबर को घर पलटना नसीब नहीं होगा तो तुमने अपने उस गुमान के बायस ख़ुद अपनी तबाही का सामान किया है अब तुम्हारा मामला अल्लाह के हवाले है वही जिसको चाहेगा माफ़ करेगा जिसको चाहेगा सज़ा देगा इन मुनाफिक के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हिदायत की गई कि ये लोग जब देखेंगे कि किसी मुहिम में बग़ैर किसी ख़तरे के लुकमा तर हाथ आने वाला है तो ये पूरा जोर लगाएंगे कि उन्हें भी साथ निकलने की इजाज़त दी जाए लेकिन उनको हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए उनको आगा कर दिया जाए कि आगे एक ताकतवर दुश्मन से मुकाबला होने वाला है अगर इस मौके पर तुम निकले तो खैर है और अगर इस वक्त भी इसी तरह बहाना साजी करके बैठ रहे तो तुम्हारे लिए भी वही अजाब मुकदर है जो कफ़ार के लिए है आयत नंबर सत्रह में उन माजूरिन का बयान है जिनकी जंग से गैर हाजिरी निफाक पर महमूल नहीं होगी बशर्ते कि वो दिल से अल्लाह रसूल के फर्माबरदार हैं फिर अट्ठारह से इक्कीस में उन जानेसारों का बयान है जिन्होंने बैत रिजवान में शिरकत की उनके लिए अल्लाह ताली की खुशनूदी फ़तहत गनीमत और फतः मक् की बशारत है फिर आत नंबर बाईस से पच्चीस में इस अमर का बयान हुआ है कि हदयबिया के मौके पर क्रैश जंग करते तो मूँह की खाते फिर मुसलमानों के गलबा के पहलू की तरफ इशारा किया गया आयत नंबर छब्बीस में क्रैश की अखलाक़ी शकस्त का पहलू ब पहलू मुसलमानों की तरफ से अखलाकी फ़तह का जो मुजाहरा हुआ है उसकी तरफ इशारा किया गया कि हमीतित जाहलीत के बिलमकबिल मुसलमानों ने तकवा और अल्लाह रसूल सल्ला की, की, की उसका हवाला दिया गया सत्ताईस में नबी करीम ख़्वाब की तस्दीक की गई इसकी ताबीर की जहूर में जो तखीर हुई है उसकी हमत बयान की गई फिर अट्ठाईस और उनतीस में बताया गया कि इस्लाम का गलबा तमाम अदियान पर यकीनी है हो लजी सिलहुदाउदी लिज हो रहू अल्दीन कुल ही वक़ा बिल्ला शहीदा फिर बयान हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके की तस्वीर तौरात में और हक़ की तदरीजी गलबे की तमसील इंजील में है इस पर फिर यह सुरह फ़तः ख़त्म होती है फिर अगली सूरत सुरह हजरात का आगाज़ होता है अपने मजमून के लिहाज से यह सबक सुरह फ़तः का तकमिला है सुरफ़त की आखिरी आयत में तौरात के हवाले से नबी करीम वसल्लम और साहबा की ये सिफत जो वारिद हुई है कि महमदुररसूल व लजी नमा रहमाओ बन ये पूरी सराय इसी टुकड़े की गोया तोसीर है चनानचा इसका मौजू वही तजिक व तथहर है जो पिछली दोनों सूरतों से चला आ रहा है इसके तहत इस सुरे में नबी करीम सलील् और मुसलमानों के बाहमी हकूक से मुताल जरूरी हदायत दी गई है इसमें खिताब अहल ईमान से है और इसके मजमून से वाज है कि मदीना तैयबा में ये यह रसोल्लाम की दावत के मरहले तजकिया व तस्थहर में उस वक्त नाजिल हुई है जब आपके दुनिया से रख्सत हो जाने का वक्त करीब आ गया था और अंदेशा था कि अखलाकी तरबियत की कमी बाहि मुनाफरत और कबायली असबियत के झगड़े इनकी कौमी वदत को पारा पारा कर सकते हैं ये सूरत भी ऐसे हालात में नाजिल हुई है जब नए नए इस्लाम में दाखिल होने वालों की तरफ से बास बातें ऐसी सामने आई जिनसे जाहिर हुआ कि ये लोग ना तो रसूल के असली मरतबा व मकामी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और ना इस्लामी माशरे के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियों से ये वाकिफ़ हैं चनानचा इस जमन में ज़रूरी हिदायत दे दी गई कि जो इस वक्त के हालात के अंदर ज़रूरी थी इन अहकाम पर हदायत का ताल्लुक तमाम तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के बाही हकूक़ी से हैं चुनान आयत नंबर एक से पाँच में मुसलमानों को ये तम्बी की गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपनी राय को रसूल की राय या आपके हुक्म पर मुकदम करने की कोशिश करे या गुफ्तु में अपनी आवाज़ को आपकी आवाज़ पर बुलंद करें या आपको इस तरह पुकारे जिस तरह आपने किसी मसावी दर्जे के आदमी को पुकारता है तकवा की अफजाइश अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के दिलों के अंदर करता है जो उसके रसूल के अदब व अहतराम को पूरी तरह मलहूज रखते हैं जो लोग अपने आप को अल्लाह के रसूल और इस्लाम का मौसम समझते हैं और रसूल के सामने खिताब व कलाम में अपने तफवक का इजहार करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि इस तरह की हरकत से गैर शहरी तौर पर वो अपने अमाल ही न गंवा बैठे फिर आयत नंबर छः से दस में बयान किया गया कि मुसलमानों का मामला मुसलमानों के साथ अखवत की बुनियाद पर होना चाहिए ना कि पार्टी और गुरो की असबियत की बुनियाद पर यह जायज नहीं है कि किसी फासिक की रवायत पर अतमाद करके मुसलमान मुसलमानों की किसी जमात के खिलाफ इकदाम कर डालें जिस पर बिलाखिर उन्हें पछताना पड़े तमाम अहम मामल में रसूल की स्वाबदीद और उसके हदायत पर अमल करना चाहिए किसी पार्टी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि थाले वसल्लम की हिमायत अपने हक़ में हासिल करने के लिए उस उन पर गलत किस्म के दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ये चीज़ उस फ़ल्ल और इनाम की नाकदरी है जिससे अल्लाह ताला ने ईमान की शक्ल में अहल ईमान को नवाज़ा है ईमान का मज़ा चख लेने के बाद कोई ऐसी बात करना जो इसके मुनाफी है कुफ्र वसीान की तरफ रिज़त है जिससे लोगों को बचाने ही के लिए अल्लाह ताला ने ईमान को दिलों में रचाने और कुफ़र को मकबूज बनाने के लिए सारे जतन किए हैं अगर मुसलमानों के दो गुरु आपस में लड़ पड़े तो दूसरे मुसलमानों के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो आइसोलेट होकर रहें उनके दरमियान सलाह करा देना चाहिए आतं नंबर ग्यारह बारह और तेरह में इन बातों से बचने की हिदायत की गई जो दिलों में नफ़रत की तख्म रेजी और माशरे में फसाद की आग भड़काने वाली है किसी के लिए भी जायज़ नहीं है कि वो दूसरे की तहकीर करे या उसका मजाक उड़ाए या उसको एम लगाए या उस पर भप्तियाँ चुस्त करे या उसके खिलाफ बदगुमानियाँ पैदा करें या उसकी गीबत करे या उसकेूब के टोमे लगे हजब व नसफ और खानदान व कबीला का गुरूर जहरीत की यादगार है अल्लाह ताला ने सबको एक ही आदम आदमो होवा से पैदा किया है खानदानों और कबीलों की तकसीम महज तारुफ के लिए है अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त का मैार सिर्फ तकवा है ना कि नस्ब और खानदान आयत नंबर चौदह से अट्ठारह है सूरत है जिसमें इस बात की मजीद वजाहत कर दी गई जो सूरत की तमहीद में इशारात की शक्ल में फरमाई गई है इससे मालूम हुआ कि इब्तई आयात में जिन लोगों का रवैया ज़ेर बहस आया है ये इतराफ़ मदीना के वो अहले बद्दू थे जो इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत से मरूब होकर इस्लाम में दाखिल तो हो गए थे लेकिन ईमान उनके दिलों में अच्छी तरह उतरा नहीं था इस वजह से वो इस पंदार में मुबला थे कि इस्लाम लाकर उन्होंने इस्लाम और पैगम्बर पर एक एहसान किया है उनके इस पिंदार का इजहार बादज अवत इस तरह की हरकतों से हो जाता था जिनसे पिदाई आयत में मुसलमानों को रोका गया है अब ये आखिर में उनको नबी अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कहलवाया गया है कि इनको बता दें कि वह अपने ईमान और इस्लाम का एहसान ना जताएँ अल्लाह उनके जाहिर और बातों से अच्छी तरह वाकिफ़ है उन्होंने अतात तो ज़रूर कर ली है लेकिन अभी ईमान उनके अंदर जड़ नहीं पकड़ी है ये उनका एहसान है नहीं है कि वह पैगम्बर पर ईमान लाए बल्कि ये अल्लाह का फजल और एहसान है कि उसने उनको ईमान की तोफ़ी बख्शी अगर वह उसका हक़ अदा करेंगे तो अल्लाह ताली के यहाँ उसका भरपूर सिला पाएंगे अल्लाह ताली उनके सारे अमाल को देख रहा है इस गुफ्तु पर फिर सूरह हजरात का ख़तम होता है अल्लाह तबात हमें अपने कलाम का फहम अता फ़रमाए और अमल की तोफ़ी अतः फ़रमाए अक्लिहाजा वस्तफर वलकुम वल सारसमिनमसलिम